अगर मुझसे बात की जाएगी, मुझे क्लैरिटी दी जाएगी, बोला जाएगा, तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर। मुझे 2024 का वर्ल्ड कप खेलना है। पूरा पाकिस्तान शायद ये समझता है कि आपको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था। आपको इन दोनों इवेंट्स के लिए आप अवेलेबल हो? मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, बॉर्डर पे भेजना मैं चले जाता हूँ। होपिंग अगेंस्ट होप कर सकते हैं कि आप आने वाले वक्तों में शायद पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट कर सकें। शुएब मलिक एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज डे इन डे आउट रही हैं। उनको कभी भी अपने आप को, मुझे नहीं लगता कि उनको ये शो करने की ज़रूरत है रन करके कि वो भी इस लाइन में है। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम में कमाल की 5 तब्दीलियां की गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए शुएब मलिक को भी शामिल कर लिया गया है। उसके साथ मोहम्मद आमिर के भी रिटायरमेंट वापस लेने के हवाले से बहुत बड़ा खबर सामने आया है। तो चले आगे बढ़ते हैं पूरी वीडियो की तरफ। वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चले आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाते हैं। 2024 का वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड T20 मुझसे बात की जाएगी, मुझे क्लैरिटी दी जाएगी, बोला जाएगा, तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और बड़े शौक से खेल रहा हूँ। मेरा गोल है कि मैं जो क्रिस गेल के रन्स हैं उसके आसपास हूँ, तकरीबन 2000 के आसपास रन्स चाहिए टू बिकम द बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, मतलब जिसके सबसे ज़्यादा रन बने। देखिए, फिजिकल फिटनेस का मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इशू नहीं रहा है और ना है। क्रिकेट मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं इंजॉय करता हूँ अभी भी और मैं खेल सकता हूँ। कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कंडीशन के अंदर आपसे बेहतर स्पिन बॉलिंग का कोई प्लेयर नहीं है पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, चाहे दुनिया में भी 110% स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे। पूरा पाकिस्तान शायद ये समझता है और एशिया कप लास्ट टाइम भी हम समझते थे कि आपको मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए था। आप क्या समझते हो कि आपको इन दोनों इवेंट्स के लिए आप अवेलेबल हो? किसी टाइम पे बोर्ड ने या मुल्क के लिए जान भी हाजिर है, बॉर्डर पे भेजना मैं चले जाता हूँ। लेकिन नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं वो नहीं करूँगा। और दूसरी बात यह है कि जो रही बात T20 की, जिससे मैं अभी तक मैंने रिटायरमेंट नहीं ली है, मैं इसलिए रुक गया हुआ कि मैं एक ही दफ़ा खैर बात बोलूँगा इंशाल्लाह, जिसमें सारे टाइप की क्रिकेट आ जाएगी, जिसमें जैसे लीग्स हैं जी, उससे भी बिल्कुल। तो फिर मैं एक ही दफ़ा उससे रिटायरमेंट लूँगा। अभी एज सच मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल भी अपनी रिटायरमेंट पे। हाँ, एक चीज़ यह है कि जहाँ अपॉर्चुनिटी मिले मैं उसे अवेल करने की कोशिश करता हूँ। अभी रिटायरमेंट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी कुछ साल आपको मज़ीद इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो आपने बहुत बड़ा कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस टाइप का आदमी हूँ, अगर मैं बोर होना शुरू हूँ किसी चीज़ से तो फिर नहीं करते, फिर मैं नहीं करता। फिर मुझे गाइडेंस भी मिल रही हो तो नहीं, क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। फिर हाँ, मैं कन्विंस करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपके क्लोज लोग हैं, वो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन मैं कम्युनिकेट करके मेक श्योर करता हूँ कि मेरा जो डिसीजन है उस पर वो लोग आएँ और उन्हें कन्विंस करूँ। नज़दीक अगर मेरी सोच के मुताबिक अगर वो 150 भी करते हैं तो वो उससे भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर वो 450 भी कर लेंगे तो हो सकता है तब भी वो टीम का हिस्सा ना बने। उसकी वजह ये नहीं है कि बनेंगे या नहीं बनेंगे, नहीं, देखना ये है कि टीम में की फॉर्मेशन में शुएब मलिक कहाँ पर आके फिट होते हैं। आई नो हिज कैलिपर, वी हैव प्लेड डे इन डे आउट विद हिम, सो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेयर्स के जो अगर कंसिस्टेंटली रन नहीं भी करते बट दे आर द मैच विनर्स, तो मैच विनर्स को ऑब्वियसली आप तरजीह देते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि टीम की फॉर्मेशन क्या और हमारा जो हम अलाइन किस तरह करते हैं चीज़ों को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है।